का समंदर सच में खून से लाल हो गया है। देवरा की कहानी सुनो। सो हेलो गाइस, फिल्मी वाले ब्रो के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस कमाल के नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं देवरा पार्ट वन जूनियर एनटीआर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, उनका करियर की, इसके कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस को गर्दा उड़ाने वाली है और सबको हिला के रखने वाली है, और हो सकता है ये 2024 की क्या सबसे बड़ी मूवी साबित हो सकती है, कल्कि को बीट कर सकती है कलेक्शन के मामले में। क्योंकि गाइस, कल्कि मूवी जो कि 2024 की सबसे बड़ी ओपनर मूवी है बॉक्स ऑफिस पर, जिसने अपने पहले ही दिन गाइस 191 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया था। इसी के साथ गाइस थालापति विजय जो कि दूसरे नंबर पर है, 126 करोड़ की ओपनिंग ली थी इस मूवी ने। तो गाइस, अब ये मूवी कौन सा ओपनिंग ले रही है, देवरा मूवी जो कि एनटीआर को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है देवरा मूवी के साथ में। वैसे गाइस, जब इसका ट्रेलर आया था तो इतना ज्यादा कोई लोगों को इतना एक्साइटेड नहीं, हिंदी पट्टी की बात करते, लेकिन जैसे ही मूवी रिलीज हुई गाइस, इस मूवी ने हाहाकार मचा दिया है बिल्कुल तबीयत से, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि गाइस, आपको मैं बता दूं कि इसकी जो स्टार कास्ट है वो पहली बात तो काफी जबरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर आपको देवरा और विलन के तौर पर सैफ अली खान देखने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस, आपको इस मूवी के अंदर जानवी कपूर देखने वाली है एक लवर के टाइप की, यानी जूनियर एनटीआर के साथ में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं जूनियर एनटीआर की देवरा मूवी की स्क्रीन काउंट की। तो गाइस, इस मूवी को दुनिया भर में 6000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। वहीं पर सिर्फ आप हिंदी की बात करते हो नॉर्थ में, तो गाइस इस मूवी को 2000 स्क्रीन मिली हुई है जो कि काफी जबरदस्त है, और गाइस ये भोकाल मचा दे कितनी। इसी के साथ गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का जो बजट है लगभग 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो कि एक डिसेंट है और जबरदस्त है। वैसे गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है, और अगर आप आगे बात करते हैं थोड़ा, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसे 5 भाषाओं के डिजिटल राइट्स 155 करोड़ में बिके हैं, जो कि काफी जबरदस्त है, और इसका म्यूजिक राइट्स 75 करोड़ में बिके गाइस, मजे कर दिए, जो कि टी सीरीज ने इसको खरीदा है। और इसी के साथ गाइस, शॉकिंग बात क्या है बता है कि इस मूवी को ऑल इंडिया थिएटिकल राइट्स 157 करोड़ में बिके हैं सिर्फ इंडिया में, और ओवरसीज की बात करूं तो गाइस, इस मूवी को ओवरसीज थिएटिकल राइट्स 26 करोड़ में बिके हैं, जो कि काफी जबरदस्त है। इसी के साथ गाइस, आप थोड़ा और आगे चलते हैं, मूवी के बजट में 300 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, वहीं पर इसके डिजिटल राइट्स, थिएटिकल राइट्स, म्यूजिक राइट्स ने ही गाइस 146 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके भोकाल मचा दिया। इसी के साथ गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को हिट होने के लिए 360 करोड़ का कलेक्शन करना होगा, जो कि यार एक मूवी आसानी से कर डालेगी एक या दो दिन के अंदर ही। इसी के साथ गाइस, अगर इस मूवी को सुपर हिट होना हो तो इस मूवी को 400 से 450 रुपए कमाना पड़ेगा, और अगर ये ब्लॉकबस्टर होना है तो इस मूवी को 500 से 600 करोड़ का बजट बनाना पड़ेगा, और ये मूवी हो सकता है आसानी से कमा पाएगी, क्योंकि अभी इस मूवी का बेस काफी ज्यादा जप रहा है और लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं। यहाँ की पहले हमें लग रहा था कि यार इस मूवी को हिंदी में नॉर्थ में कोई ज्यादा इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, लेकिन गाइस हम गलत थे, क्योंकि इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो गाइस, देवरा के मेकर्स और लोगों को काफी ज्यादा एक्सेप्टेशन है इस मूवी के साथ में। तो गाइस सभी की नजर इस मूवी के कलेक्शन के ऊपर पहले से ही टिकी हुई है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने अपने फर्स्ट दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही गाइस लगभग 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके भोकाल मचा दिया बिल्कुल। वहीं गाइस, आप जब कर्नाटक की बात करते तो इस मूवी ने अपने कर्नाटक में 12 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया, जो कि एक अच्छा खासा है। और गाइस, इसके साथ ही केरला और तमिलनाडु की बात करते जहां पर इनकी फैन फॉलोइंग कोई इतनी खास नहीं है, उसके बाद भी गाइस इस मूवी ने 5 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन कर लिया। इसी के साथ गाइस, जब आप हिंदी पट्टी की बात करते हो, हिंदी लैंग्वेज में इस मूवी ने 8 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन किया, जो कि अभी की मूवीज कोई कर नहीं पा रही है। और गाइस, मैं आपको लिटरली बता दूं कि इस मूवी ने इतना कलेक्शन कर लिया है, 2024 में हिंदी सिनेमा की कोई भी मूवी इतना कलेक्शन नहीं कर पाई है। क्योंकि गाइस, शॉकिंग बात यह है कि इस मूवी ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ को पार कर दिया है, जो कि काफी जबरदस्त कलेक्शन है। वहीं गाइस, अगर आप इसको विदेशों में बात करते हो, ओवरसीज के मार्केट में, तो गाइस इस मूवी ने ओवरसीज में यानी कि बाहरी विदेशों में इसने 45 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके गाइस वर्ल्ड वाइड 145 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है। वहीं गाइस, जूनियर एनटीआर की ये दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन चुकी है। वहीं गाइस, जूनियर एनटीआर की देवरा मूवी 2024 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर मूवी बन चुकी है, क्योंकि पहले नंबर पर आती है कल्कि 298 AD, जिसने 191 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था। वहीं पर दूसरे नंबर पर आने वाले थे विजय थालापति की द गॉड मूवी, जिसने 126 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था। लेकिन अब विजय थालापति की मूवी को ब्रेक करके नंबर 2 पर पहुंच चुके जूनियर एनटीआर, जिन्होंने अपने पहले ही दिन 145 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके लोगों को चौंका दिया। वैसे गाइस, अब देखना ये है कि जूनियर एनटीआर की ये मूवी उनकी आरआर मूवी जैसे क्या 1200 करोड़ को बीट कर पाएगी, जिस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था। वहीं पर गाइस, इस मूवी का जो कलेक्शन देखने
को मिल रहा है पहले ही दिन का 145 करोड़ रुपए, तो उसको बीट करना इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन देखना यह कि अभी 102 दिन के अंदर पता चल जाएगी लोगों को ये मूवी कैसी पसंद आ रही है और कैसी लग रही है। अगर ये मूवी लोगों को पसंद आती है हिंदी सिनेमा में तो यहाँ पर भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आ सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। अब तो गाइस क्या आपको लगता है कि ये मूवी 1200 करोड़ को आंकड़ा टच कर सकती है? अगर आप जूनियर एनटीआर के फैन हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।